हेलो नमस्ते कैसे हैं सभी लोग भाई लोग बहन लोग बच्चा लोग आई होप ऑल ऑफ यू आर सुपर एंड डूइंग रियली ग्रेट एट योर प्लेसेस तो बच्चों चलिए आज मैं आपसे मिलने आई हूँ आपके सबसे पहले लेक्चर में जो कि आप अपने सी ए फाउंडेशन के कोर्स के इस पेपर के बारे में सुनने वाले हैं अंजी बच्चों दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू द पेपर ओवरव्यू ऑफ़ योर पेपर नंबर टू इन द सी ए फाउंडेशन कोर्स और वो है बिजनेस लॉ एंड रिपोर्टिंग और कम्युनिकेशन पर आधारित एक ऐसा पेपर जिसे आपको पढ़ना शुरू करना है आज से हाँ जी बच्चों अब जब हम इस कोर्स में एनरोल कर ही चुके हैं और अपना भविष्य निर्धारित कर ही चुके हैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ी चुके हैं तो चलिए अब शुरुआत करते हैं एक एक छोटे छोटे कदम से आगे बढ़ना शुरू करते हैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू करते हैं कोर्स का पूरा ओवरव्यू लेते हैं और आज ये समझते हैं कि ये जो पेपर है दैट इज पेपर टू इन योर कोर्स इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है आइए हम बढ़ते हैं आगे देखो क्या आया स्क्रीन पर बताया गया आपको कि ये पेपर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है बच्चों दो पार्ट्स टू ए टू बी या सेक्शन टू ए और टू बी, बी कह सकते हो क्या सेक्शन टू ए और टू बी तो आओ मैं दिखाती हूं आपको ये हमें बताएंगे क्या है हमारे सेक्शन टू ए और टू बी सेक्शन यानी पार्ट बच्चों ठीक है इस पेपर को जिन दो पार्ट में आपको पढ़ना है ये आपके सामने है। देखो पहला पार्ट जो है ये बिजनेस लॉस पर आधारित है दूसरा पार्ट जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कम्युनिकेशन और रिपोर्टिंग पर आधारित है पहला पार्ट या सेक्शन जो है बच्चों वो 60 मार्क्स में आप पढ़ने वाले हो और दूसरा पार्ट या सेक्शन जो है वो आप 40 मार्क्स में पढ़ोगे अब ये तो हो गया पेपर का बाइफोकेशन 60 40 बिजनेस लॉस फॉर 60 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग फॉर 40 मार्क्स ठीक बच्चों अब इसके अंदर के कॉन्टेंट क्या क्या है कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर बिजनेस लॉज़ वाले पोर्शन में सीधे सीधे पांच एक्ट आपको दिए गए हैं एक्ट के नाम यहां पर लिखे हैं, पहले भी, एक ऐसा वर्ड है जिसे आपने पहले भी सुना होगा जिसे आपने शायद अपने इलेवन स्टैंडर्ड में अपने अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड्स जो सेंट्रल हो या स्टेट बोर्ड्स हो में कहीं ना कहीं इनके बारे में पढ़ा भी होगा पर अब जो कोर्स आप चुने हो ना बच्चों यहां से एक्ट्स लॉज रूल्स इन टर्म्स से ना अब आपको रूबरू रोज होना है और जीवन भर होते रहना है बिकॉज द कॉज इज गोइंग टू टेल अस इज गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द वेरियस लॉज रूल्स और रेगुलेशंस जो कि हमारे देश में बनाए जाते हैं क्यों बनाए जाते हैं कैसे बनाए जाते हैं और ये जो पांच आट आप देख रहे हो एक एक करके हम इन सबको उठाएंगे इसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हो हम इन सब पर आएंगे बट सबसे पहले हम बिजनेस लॉस को समझते हैं एंड दिस इज द फर्स्ट इमेज दैट स्ट्राइक्स our माइंड ये सबसे पहली वो इमेज होती है जो हमारे दिमाग में आती है जब हम लॉ की बात करते हैं लॉ कानून कानून की देवी आंख पर पट्टी और हाथ में तराजू कानून अंधा होता है ऐसा भी हमने सुना है अंधा होता है क्योंकि कानून कोई व्यक्ति थोड़ी होता है आपके या मेरी तरह लॉ इज समथिंग दैट इंश्योर्स कि हमारे देश में या पूरी दुनिया में ह्यूमंस में एक सिंक्रनाइजेशन बना रहे बच्चों एक सिंक्रनाइजेशन सारी चीजें नियोजित रहे प्रॉपरली प्लान रहें प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड रहे वी नीड लॉस फॉर दैट इसलिए पड़ती है ताकि ये हमें बता सके हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है।, जो करना है यदि वो नहीं करते हैं तो फिर इन लॉस में पेनल्टी भी होती है और जो नहीं करना है वो कर देते हैं तो भी पेनल्टी होती है समझ पा रही हूं ना मैं क्या कह रही हूं जो करना है वो नहीं करे तो भी पेनल्टी और जो नहीं करना है वो कर दिए तो भी पेनल्टी एक्टिविटीज ऐसी ही टेढ़ी होती है ना ह्यूमन एक्टिविटीज हमेशा हर बार सीधी कहां होती है इट इज लाइक हमें बोलते इस रस्ते से मत जाओ हम उधर से रास्ता निकाल लेते हैं उधर से बैरिकेड लगाते बोलते उधर से नहीं जाना तो हम तीसरा रास्ता निकाल लेते हैं उधर रास्ता रोक दिया हम चौथा रास्ता निकाल लेते हैं जब शहरों में सुबह शाम के समय पर ट्रैफिक जैम बड़े बड़े पर काफी लंबी लंबी कतारें लगी होती है तो हम गली मोहल्लों के छोटे छोटे रास्ते निकाल लेते हैं और वहां से घुस करके जल्दी पहुंचने का प्रयास करते है ना लॉज इसीलिए होते हैं बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटीज एन एम कॉन्स्टेंट इनफैक्ट ह्यूमन वी बींगमोपिय हम ही तो एक ऐसे मदर नेचर का क्रिएशन है जिसे रेगुलेट करने की जरूरत है क्या किसी जानवर के लिए या किसी पेड़ पौधे के लिए या प्रकृति माँ मदर नेचर ने हमें जो चीज़ें दी हैं इनकी किसी भी दूसरी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ बना है क्या बच्चों क्या जानवरों को रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ होता है क्या क्या फूल पत्तियों या पेड़ पौधों को रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ होता है क्या नहीं जानते हो क्यों क्योंकि ये तो जो प्रकृति के नियम है उनका पालन वैसे ही कर लेते हैं जो नहीं करता है वो कौन है वो हम है जो इनका उल्लंघन करता है जो इनका नॉन कंप्लायंस करता है और जिसके कारण सबको उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स बेयर करने पड़ते भुगतना पड़ता है हर किसी को वो हम कैन मेक श्योर कि सोसाइटी में जो भी चीजें हो रही हैं वो सभी के विकास के लिए किसी एक दो तीन चार सेक्शन ऑफ़ पब्लिक और ऑफ सोसाइटी या एक दो चार देशों पर चीजें सीमित ना हो सबका विकास हो सबका साथ हो तब सबका विकास हो वो है ना हमारा नारा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया है क्यों है ये क्योंकि जब तक हम सब साथ मिलकर के अपनी गतिविधियों को विनियोजित नहीं करेंगे रेगुलेट नहीं करेंगे तब तक हम चीजों में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और जो आज बढ़ भी गए ना तो आने वाले भविष्य में इसके बहुत बुरे परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं। अच्छा आज कितनी चीजें सुनते हो आप अपने आसपास ग्लोबल वार्मिंग है टेम्परेचर बढ़ रहे हैं ग्लेशियर पिघल रहे हैं सुनामी जा रही है फ्लड्स हो रहे हैं कोरोना आ चुका है कोविड नाइनटीन एक इंटरनेशनल लेवल पर फैली हुई बीमारी पेंडेमिक का रूप ले चुका है हजारों लाखों जाने जा चुकी इन सब का कारण क्या है भाई? ह्यूमन एंड एक्टिविटीज। हम सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं और मदर नेचर के दिए गए सारे रिसोर्सेस पर बस हमारा ही आधिपत्य है हमारा ही अधिकार है ये मान बैठे थे मान लेते हैं मानते हैं पर ऐसा नहीं है ना सोसाइटी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ गिव एंड टेक इट्स नॉट ओनली अबाउट द बिजनेस इट्स नॉट ओनली अबाउट द लॉस टू रेगुलेट बिजनेस बच्चों बट द सोसाइटी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन दिस रिलेशनशिप ऑफ गिव एंड टेक वेन यू गिव सम गेट बैक एंड वेन यू टेक समथिंग यू हैव टू गिव बैक ये चीजें हम समझ सकें हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके नेशन का सोसाइटी का पूरी अर्थ का इन सब के लिए हमको लॉस चाहिए होते हैं बच्चों हर किसी को सही दिशा निर्देश देने के लिए हर किसी को सही राह आगे बढ़ाने के लिए हमें लॉस चाहिए होते हैं बिजनेसेस को रेगुलेट करने की जरूरत पड़ती है वरना हर कोई अपनी मर्जी का मालिक हो जाएगा और जब हर कोई अपनी मर्जी का मालिक हो जाएगा तो फिर ऐसे में देश किसका पूरा का पूरा ग्लोब किसका पूरी की पूरी धरती किसकी और सब लड़ भिड़ेंगे कि भैया ये तो मेरा प्लेनेट है और ये तो मेरा प्लेनेट है कोई बोलेगा कि ये मेरा है कोई बोलेगा ये मेरा है और खींचाता नहीं हो जाएगी ये सब चीजें ना हो हमारी मैलिफाइड इंटेंशन हमारे गलत उद्देश्य हमें ऐसा गलत करने से रोक सके इसलिए अपन लॉस बनाते हैं बच्चों और फिर ये ये स्कैम स्कैंडल घोटाले ये सब तो सोसाइटी का हिस्सा बन चुके थे यार बन चुके हैं हिस्सा बन चुके हैं हर दिन हर 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 हफ्ते हर कुछ पंद्रह दिन बीस दिन में या महीने भर में हम नई 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 टर्म सुनते रहते हैं कभी कंपनी का घोटाला हो गया कभी चारा का घोटाला हो गया कभी टू जी का स्कैम हो गया कभी थ्री जी का स्कैम हो गया कभी कोयला का घोटाला हो गया कभी बोफोर्स का घोटाला हो गया ये सब कौन करता है आपने सोचा है ना इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचा तो आज जरा ध्यान तो दो ये सब कौन करता है किसका नाम इन्वॉल्व होता है इन सारे और स्कैंडल्स में कि ये घोटाला उस बंदर ने कर दिया या ये घोटाला हाथी ने कर दिया या ये घोटाला बब्बर शेर ने कर दिया ये सब कहा कहते हैं या ये घोटाले में नीम के पेड़ का हाथ था और इस घोटाले में अशोक के पेड़ का हाथ था नहीं यार ये सब नहीं होता ये सब चीजें ह्यूमन बींग्स कहते हैं वो ही ह्यूमन बींग्स और फिर हमें लॉस की जरूरत पड़ती चाहिए होता है हमें कोई जो इन सब चीजों पर नजर रख सके क्योंकि अच्छे हैं बुरे भी हैं बुरे हैं गलत करने वाले तो अच्छे भी हैं और वो अच्छे जो हैं वो इन्हीं सब चीजों पर निगरानी रखने के लिए सभी को ठीक ढंग से नियोजित करके रखने के लिए क्या करते हैं बच्चों वो लॉस बना हमें चाहिए होता है कोई ना कोई चाहिए होता है ये नजर रखने के लिए ये निगरानी रखने के लिए आपकी सारी एक्टिविटीज को प्रॉपरली इफेक्टिवली करने के लिए ताकि आप जो कर रहे हैं उसका नुकसान किसी को भी ना हो और अगर हो ऐसा तो फिर आपको पनिशमेंट मिले और लॉ यही तो होता है ऐसा ना सोचो लॉ का मतलब सिर्फ रूल्स होते हैं ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है दो रिजिड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स प्लांट्स मैनेजमेंट प्रबंधन पढ़ा है ना अपन ने क्या होता है प्लान में मैनेजमेंट के इस 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 पहले स्टेप प्लानिंग में बहुत बहुत सारे टाइप्स आपने इसके पढ़े और वहां पर आता है ये ये वर्ड प्लान और इस प्लान का एक प्रकार होते हैं रूल्स डू नॉट पार्क हियर एग्जाम्पल ऑफ अ रूल नो पार्किंग एग्जाम्पल ऑफ अ रूल पार्क योर व्हीकल हियर एग्जाम्पल ऑफ अ रूल लॉस सिर्फ इतने से नहीं होते बच्चों लॉ में सब चीजें आ जाती है वो सब चीजें जो आपके आसपास पास है जिन्हें आपने देखा है जिन्हें आपने महसूस करा है वो सब आ जाती हैं और ये कैसे आती हैं इन्हें अब एक 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 करके आपको यहां से समझना शुरू करना है अब जो आप पढ़ना शुरू करेंगे ना तो अब आप समझते जाएंगे कि ये लॉस कैसे बनते हैं कौन बनाता है इनको कैसे इंप्लीमेंट करा जाता है और इस श्रेणी में हम सबसे पहले उठाएंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यस

उस समय हमारे देश में एक एक अधिनियम बना एक्ट को हिंदी में अधिनियम कहते हैं बच्चों एक एक्ट बना एक ऐसा एक्ट जो बिजनेस के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या पार्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करता है कॉन्ट्रैक्ट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी बिजनेस कैपिटल लाएंगे कॉन्ट्रैक्ट होगा ड्राॅइंग्स होंगी कॉन्ट्रैक्ट होंगे प्रॉफिट विड्रॉवल होगा कॉन्ट्रैक्ट होंगे असिट्स परचेस करी जाएगी कॉन्ट्रैक्ट होंगे असिट्स बेची जाएगी कॉन्ट्रैक्ट होंगे बहुत सारी और हर एक चीज में ये कॉन्ट्रैक्ट शामिल होता है और इसे आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इनफैक्ट बहुत बेसिक तरीके से समझाने के लिए मेरे सामने आपके सामने ये कहानी का प्लॉट है पता है क्या इस कहानी में क्या है इस कहानी में पप्पा है और इस कहानी में आप है और एक बार शाम में अपने दफ्तर के सारे काम से फ्री होने के बाद खाना पीना निपटाने के बाद आराम से कुर्सी पे बैठे थे पप्पा और उन्हें याद आया कि कल घर में कुछ सामान चाहिए तो वो जल्दी से एक लिस्ट तैयार करते हैं और आपको आवाज देते हैं अरे बेटा सोनू जरा इधर आना तो और झट झट दौड़ करके सोनू आ जाता है और पापा थमा देते हैं वो लिस्ट बोलते हैं कल ये सब्जियां सब्जी वाले से लेकर आ जाना ये सब दिया सब्जी वाले से लेकर के आ जाना ये पापा आपको कह देते हैं और अगला दिन उगता है और आप मानी सोनू पहुंच जाते हैं सब्जी लेने के लिए सब्जी की दुकान पर आलो, ले लो। बस तो ये सब्जी की दुकान पर अगले दिन मांस ना धोके तैयार होकर के सोनू पहुंच चुके हैं सब्जी लेने के लिए आप पहुंच चुके हो सब्जी लेने के लिए अब पता इस है इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहा है इसका कॉन्सेप्ट क्या है सब्जी वाले के पास गए ये जो अभी सुन रहे थे ना आलू ले लो कांदा ले लो ये पता है क्या क्या होता है इसको ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भाषा में हम ऑफर कहते हैं जहां ये सब्जी वाला या वो जिसका डायलॉग आप सुन रहे थे नाना पाटेकर वेलकम पिक्चर का डायलॉग अपना सामान आपको बेचने के लिए एक प्रपोजल देता है एक ऑफर देता है ये लो ये लो है ना वो आपको एक ऑफर दे रहा है भैया आलू ले लो कांदा ले लो और मेरे पास और भी सब्जी है फूल गोभी भी रखी है टमाटर भी रखा है लाल लाल गाजर भी रखी है और अदरक भी है और धनिया भी है पालक भी है और मेथी भी है सब रखा है ये मेरा ऑफर है ये ठेला में लगा करके जो मैं बैठा हूं इतनी सारी सब्जियां ये एक ऑफर है क्या आप आओ और इसे खरीदो अब सोनू पहुंच चुके राइट सब्जियां छाट लेता है सोनू देख करके उस लिस्ट को जो पप्पा ने थमाई थी और थोड़ा सा भाव ताव भी कर लेता है वो तो हम भारतीयों के खून में है यार भाव ताओ करना बार्गेनिंग करना ये जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा मम्मी ने सिखाया है और एक और चीज की यदि सब्जी वाला से सौ रुपया की सब्जी ले ली तो बाद में भैया पांच रुपए का मिर्ची और धनिया डाल दो ये हमारा दूसरा जन्म सिद्ध अधिकार सिखाया है और हमने मम्मी को यह करते हुए बहुत बार देखा है तो बस वही ध्यान में रखते हुए सोनू ने अपनी लिस्ट पूरी पढ़ ली सारी की सारी सब्जियां भाव पूछे थोड़ा मोल भाव करा और फाइनली एक प्राइस पर आके म्यूचुअली उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि भैया बीस रुपया का कांदा मैं आपसे लेने के लिए तैयार हूं आलू ले लो कांदा ले लो ऑफर था और सोनू मान गया कि मैं बीस रुपया प्रति किलो का कांदा ले लूंगा और अब इसका तीसरा पार्ट आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जहां पर अब बात आएगी वो बीस रुपया की रुपया की पैसा मनी इज द हनी यस, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कोई या मच्छर हनी पे आके गिरेगा तो चिपक जाएगा ना वैसे कल युग में ये 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 भगवान है ना पैसा मनी इज हनी, सारी मक्खियां आ करके चिपक जाएगी भाई जो पैसा साथ में है तो दिस मनी बीस रुपया जो देने की बात हुई थी जो भाव तय हुआ था सोनू और सब्जी वाले के बीच में जानते हो इसको अपन क्या कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भाषा में ये जो बीस रुपया देने के लिए सोनू तैयार हो गया था ना ये बीस रुपया कहलाता है मेरे बच्चों कंसिडरेशन दिस इज दर एम पेइंग बिकॉज वॉट एम आई गेटिंग फ्रॉम यू इज दैट एक किलो कांदा बहुत पहले जब करेंसीज नहीं होती थी तब बार्टर सिस्टम होते थे एक किलो चावल के बदले एक किलो दाल मिल जाया करती थी पर फिर करेंसीज का आविष्कार हुआ इनके भी आविष्कार की पूरी एक जर्नी जन, है भाई शुरू ही दिन से नोट थोड़ी ना आ गए थे बहुत सारे अलग अलग डिनोमिनेशन चलते थे पुरानी पिक्चरों में और रामायण महाभारत में वो सोने के दिनारे तो देखी है ना आपने बस वो मोड होता था पहले कंसिडरेशन का

वो भी समझ जाओगे ध्यान अटेंशन पूरा इधर ही रखना है तो बस तो फिर कोई और रोक ही नहीं सकता हमें समझने से समझे गए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब लोग चलो भाई लोग गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद जो दूसरा एक्ट आपको समझना था वो दूसरा एक्ट है आपका द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नाउ सेम एग्जाम्पल पे फिट करके मैं आपको सेल्स ऑफ गुड एक्ट भी समझा देती हूँ गुड्स प्रोडक्ट्स उत्पाद सामान पेन पेंसिल वाटर बॉटल टिफिन बॉक्स बुक्स नोटबुक्स बैग क्लोथ्स अज और यहाँ ये यह सब्जियां ये सब क्या है बच्चों के गुड्स हैं सोसाइटी में दो ही चीजों का कंजम्शन होता है याद रखना या तो गुड्स या सर्विसेस ये आपको पता है लेकिन आज आप अपना ध्यान इस पर केंद्रित करोगे ना तो समझोगे की इसके अलावा कोई तीसरी चीज है नहीं जिसे आपने कभी कंज्यूम करा बताओ सोचो करा क्या अपने आसपास जरा नजर घुमाओ देखो कितनी चीजें ट्यूबलाइट होगा बल्ब होगा पंखा होगा एयर कंडीशनर होगा एयर प्यूरिफायर होगा बेड होगा पिलोज होंगे ब्लैंकेट हो सकता है स्टडी टेबल हो सकती है लैपटॉप होगा मोबाइल होगा कितनी चीजें ये सब क्या है गुड्स 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 ये गुड्स है और हाल फिलहाल में जो मैं आपसे बात कर रही हूँ और जो चीजें मैं अपनी आप तक पहुंचा रही हूँ ये क्या है एजुकेशनल सर्विसेज है कल या परसों या उससे कुछ दिन पहले आप अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गए थे तफरी मारने गए थे जिस गाड़ी पे बैठ के गए थे वो क्या था भाई गुड्स और जो उस रेस्टोरेंट में या होटल में या कैफे में जाकर के आपने खाया पिया था वो क्या था गुड्स लेकिन वो वेटर ने जो लाकर आपको दिया था वो क्या था सर्विस थी उसने सर्विस ऑफर करी थी आपको सर्विस ऑफर करी थी और पता है तो जो सर्विस के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं आज आप बैठ करके जब ये सेशन सुन लो ना उसके बाद आराम से पांच मिनट बैठना और सोचना कि क्या इसके अलावा कोई तीसरी चीज होती है जिसका कंजम्पशन हम करते हैं जैसे मैटर के तीन पार्ट होते हैं ना सॉलिड लिक्विड या गैशेस ऑल द मैटर्स साइंस में पढ़ा है आपने मुझे पता है और बहुत पहले पढ़ा है ये भी मुझे पता है मैडम वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वही सब तो था ना जिसमें इतना ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं आता था इसीलिए फिर हम इधर शिफ्ट हो गए थे इट इज सॉलिड लिक्विड पार्ट्स ऑफ मैटर ये बहुत बेसिक चीज़ है ना, माई लाइफ की और हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो या तो सॉलिड स्टेट में होती है या लिक्विड स्टेट में होती है या गैशेज स्टेट में होती है अभी देखो आपके हाथ में जो मोबाइल है आपके सामने जो टैबलेट या लैपटॉप है सॉलिड है, है और वो जो पड़ोस में पानी का गिलास रखा हुआ है उस गिलास के अंदर जो पानी है वो लिक्विड है और जो इनहेल कर रहे हो और जो एक्सेल कर रहे हो गैसेज हैं इनहेल कर रहे हो ऑक्सीजन एक्सल कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड, तीन ही फॉर्म है ना? वैसे ही कंजम्पशन सिर्फ दो चीजों का होता है बच्चों, गुड्स या सर्विसेज, और आपका ये पूरा एक्ट गुड्स और उनकी सेल पर आधारित है बस तो यहाँ पर जो सोनू सब्जी वाले से ले रहा है वो गुड्स ही तो है बस हाँ थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में बदलाव आ जाएगा हर एक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है तो यहां पर वो आलू ले लो कांदा ले लो वाले जो भैया यानी सब्जी वाले जो भैया है ना हमारे वो सेलर बन जाते हैं जो सामान बेच रहे हैं सोनू भैया जो हैं हमारे वो बायर बन जाते हैं जो सामान खरीद रहे हैं ऑफ कोर्स कंसिडरेशन तो यहां पर भी रहता है पर जिस मेन टर्म को हिसाब के नजरिए से आपको पढ़ना होता है बच्चों वो होता है ऑब्जेक्ट ऑफ सेल क्या बेचा जा रहा है और इसमें अनगिनत चीजें आती हैं अनगिनत चीजें यहाँ पर आपकी गाड़ी घोड़े से लेकर के तो आपका घर मकान हर चीज आ जाएगी आपका टू व्हीलर आपका फोर व्हीलर आपका घर एक गुड्स है प्रॉपर्टी है बस आपका घर जो है ना वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है अचलित संपत्ति चलती थोड़ी है चलती थोड़ी है वो ऐसा होता है क्या आपको घर से बाहर कहीं जाना है तो घर भी सर पे उठा के चलो भैया चले ऐसा तो थोड़ी होता है घर से बाहर कहीं जाना है तो गाड़ी उठा के जाते हो गाड़ी मूवेबल होती है चल लेती है दैट्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं और इन सभी प्रॉपर्टीज के सेल पर आधारित होता है आपका ये पूरा एक सेल्स ऑफ अब मैं मान ही नहीं सकती कि आप जितने बच्चे उधर बैठे हो किसी एक को भी ये कॉन्सेप्ट अभी तक समझ में नहीं आया होगा आई एम डैम श्योर बहुत अच्छे से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेस और द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का बेस आप समझ चुके हो अब बारी आएगी भैया तीसरी चीज की तीसरी चीज है आपका द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 समझाने के लिए पहले पता ही कि आपको क्या करना पड़ेगा आपको अपना चश्मा थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा भाई चश्मा उल्टा करने की बारी है और क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूं चलो कोई ना अगर नहीं समझ पा रहे तो मैं बढ़ती हूं आपके साथ अगले सेक्शन पर आपको ये बताने के लिए कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कैसी कैसी और क्या क्या चीजें आती है जो आप मेरे साथ पढ़ने वाले हो ले गो मेहता का उल्टा चश्मा भाई दारक भाई आ, तो क्या आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ओके आई नो ये वो टीवी सीरियल है जो हमारे घर में सबसे ज्यादा चलता है और हम में से मैक्सिमम लोगों के घर में ये सबसे ज्यादा चलता है भाई जेठा लाल का उल्टा चश्मा तारक मेहता जो कि यहां पर हैं उनका उल्टा चश्मा ये सीरियल वेल इट इज जस्ट एन इमेजिनरी एग्जाम्पल टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ये जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है वैसे तो जेठा भाई का खुद का ही काम है ये एंड दो इट इज अ सोल प्रोप्राइडरशिप पर ये जो जेठा भाई है ना इनका इनका एक, एक 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 लोचा है भाई और वो क्या है वो आप सब बहुत अच्छे से जानते हो बबीता जी यस और पता है क्या जो यदि जेठा भाई और बबीता जी की ट्यूनिंग बैठ जाए तो फिर क्या बन जाएगा फिर बन जाएगा पार्टनर वन ये पी वन और पी टू दो लोग दो से अधिक लोग एक दूसरे के साथ मिल करके एक बिजनेस एसोसिएशन बना लेते हैं टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस और बस सामने आ जाता है पार्टनरशिप पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इसके बारे में तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने कहीं ना कहीं इलेवेंथ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा भी है है ना पार्टनरशिप एक ऐसा एसोसिएशन जहां कुछ पार्टनर्स होते हैं ये मिलकर के काम करते हैं कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव है अब यहाँ ऑब्जेक्टिव कॉमन नहीं है क्योंकि जेठा भाई का ऑब्जेक्टिव अलग है और बबीता जी का ऑब्जेक्टिव अलग है बट जो ही ऑब्जेक्टिव कॉमन हो जाते हैं और प्रॉफिट और लॉस मिलकर के बांटने का अग्रीमेंट हो जाता है तो क्या बन जाता है बच्चों बन जाता है एक पार्टनरशिप पार्टनर्स होते हैं इसका रेगुलेशन होता है इसका फॉर्मेशन होता है और फिर ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जो धीरे 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 इस चैप्टर में बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं हम आएंगे उन पर ऐसे ही हंसते गुनगुनाते हुए आएंगे ऐसे ही मस्ती मारते हुए आएंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें सिर्फ याद ही ना हो दिमाग में ऐसे छप जाए कि कभी भी उठा के हमसे पूछ लिया जाए ये ऑन द टिप ऑफ द टंग्स निकल आए राइट right? चलो इसी पर आपको आपका चौथा एक्ट भी समझाती हूँ और वो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 2008। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट पता है, क्या बच्चों? एक नया था, बहुत नया है और ये ना पार्टनरशिप और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को मिला के बनाया गया था ये देख रहे हो ना गोगधाम सोसाइटी अपनी बहुत सारे लोग हैं। अच्छा पूरी सोसाइटी है सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं हर एक एक के फ्लैट की सीमा निर्धारित है हर एक एक के घर की सीमा निर्धारित है सबका घर अलग है तारक भाई का घर अलग है बबीता जी का घर अलग है जेठा भाई का घर अलग है सबका घर अलग अलग है सबके घर की सीमाएं निर्धारित है बस एक साधारण पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ना ये अंतर है बच्चों ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बना था इस एक्ट के आने के बाद 2008 में इससे पहले इंडिया में नहीं होता था जिसमें पार्टनरशिप वाली फ्लेक्सिबिलिटी तो रहेगी यानी पार्टनर्स रहेंगे पर कंपनी जैसी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी यानी एक सीमा निर्धारित कर देंगे बस उससे ज्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं जो अदरवाइज पार्टनरशिप में नहीं होता लाइबिलिटीज अनलिमिटेड रहती है यार वहां पर और जरूरत पड़े तो अपनी जेब से एक एक रुपया लगाना पड़ सकता है पार्टनर्स को वैसा यहाँ नहीं होता है और काफी सारे पार्टनर्स मिलकर के मिनिमम हमें सिर्फ दो ही चाहिए होते हैं ऑफ कोर्स बट काफी सारे पार्टनर्स मिलकर के पूरा का पूरा एक एलएलपी बना सकते हैं कैसे बनेगा क्या इसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसके लिए तो स्टे ट्यून्ड हम अपने आगे के लेक्चर्स में जब इस पर आएंगे तब पढ़ेंगे समझ गए के भाई लोग चलो तो फिर आगे आ जाओ और अब बारी आती है आपके सिलेबस के आखिरी एक्ट के ओवरव्यू की और वो है कंपनीज एक्ट ऑफ़ 2013 आप सोचोगे मैडम ये 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 इतना बड़ा सा इमेज क्या है ये इतना बड़ा सा इमेज देख रहे हो ना कहा से एंट्री और कहाँ से एक्जिस्ट, एक्जिस्ट है और बीच में कितना बड़ा है ये जो कंपनी एक्ट है ना बच्चों ये कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो किसी भी देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करता है इसके जीवन मरण इसके हर एक कार्य पर नजर रखता है और यहां पर अब सिर्फ जेठा भाई और बबीता जी या गोकुलधाम सोसाइटी ही नहीं पूरा का पूरा इंडिया या इनफैक्ट इसके बाहर भी ये सब एक परिवार बन जाते हैं कंपनी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिट ही नहीं होती अगर वो पब्लिक नेचर की है तो हाँ प्राइवेट कंपनीज पे थोड़ी लिमिट है ये इनके दो टाइप है इसके डिटेल्स में हम पढ़ेंगे बट साधारणतः कहीं से भी लोग इससे जुड़ सकते हैं एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो तब प्रिफर करा जाता है जब आप एक बहुत बड़े स्तर पर कार्य कर रहे हैं पब्लिक से भी पैसा ले सकते हैं ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं ह्यूज इन्वॉल्व होते हैं और ये पांचों मिलकर आपके बिजनेस लॉस का हिस्सा बन जाते हैं बच्चों सो so, इतनी चीजें हैं जो कि यहां पर आपको पढ़ना थी दिस इज वर्ड आई वॉन्टेड टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू इन दिस वेरी फर्स्ट लेक्चर डिड नॉट वॉन्टेड कि पहले दिन से पढ़ 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 पढ़ना शुरू कर दू और आप यही नहीं समझ पाए कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं बाय नाउ ईच वन ऑफ यू हु हैव बीन हियरिंग टू दिस वीडियो बीन वॉचिंग दिस वीडियो इज नाउ क्लियर लॉस क्यों होते हैं और आपके सिलेबस में कौन से लॉस हैं हरेक का एक बेस अब आपके दिमाग में है फिर वो भले ही आलू ले लो कांदा ले लो ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो या बायर और ऑब्जेक्ट ऑफ सेल को लेकर बना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो बबीता जी और जेठा भाई की इमेजिनरी पार्टनरशिप वाला पार्टनरशिप एक्ट हो या फिर पूरी की पूरी गोकुल धाम सोसाइटी को एंगेज करता हुआ लेकिन हर एक की घर की सीमा को लाइबिलिटी को निर्धारित करता हुआ एल एल पी एक्ट हो और जिसमें सब आ गए सबसे बड़े स्तर का फॉर्म ऑफ बिजनेस को रेगुलेट करने वाला so so, बारहवीं कक्षा की परीक्षाएं पास करने के बाद अब ये लाइफ एक नई लाइफ आपके सामने हाजिर है वो लाइफ जिसमें हंसी मजाक मस्ती फन सब कुछ है पर आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इन सारी चीजों के अलावा वो जो घड़ी नजर आ रही है ना ऊपर उसमें समय दिया गया है और वो थोड़ा सीमित है तो मस्ती मजाक एंजॉयमेंट सब कुछ हमें यहाँ पर करना है हंसते खेलते यूं ही कट जाएगा सफर और मिल जाएगी हमें हमारी मंजिल पर डिटर्मिनेशन हमेशा की मंजिल तक पहुंचना है फिर चाहे जो हो जाए चाहे जो हो जाए That was all from my end. I'll see you in the next video very very soon. Till then, do take very good care of yourselves. अपना, से ध्यान अपना ध्यान अपने घर वालों का नंबर you you हमारे YouTube चैनल जो पले भी परिहार नाम से है को सब्सक्राइब कर सकते हो यूल गेट ऑल updates. By pressing on the bell icon, our app is the Play Store. which CS Palavya download that. You will get all the updates over there. For the iOS users, you can again contact us on this number. We'll see you soon. Till then, bye bye and take care.